पलिया के संपूर्ण नगर रोड स्थित गोल्डन फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान परीक्षा में बेहतर अंक पाने वाले होनहार बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल की एमडी हरदीप कौर मांगट ने बच्चों के परिजनों को शुभकामनाएं दी। स्कूल के प्रधानाचार्य लोकनाथ तिवारी ने कहा कि स्कूल के बेहतर परीक्षा परिणाम के पीछे शिक्षकों व स्कूल प्रबंधन की कड़ी मेहनत और लगन है। उन्होंने सभी शिक्षकों की बेहतर लगन की प्रशंसा की। उप प्रधानाचार्य संजीव कुमार कुशवाहा ने परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले बच्चों की पीठ थपथपाते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि आप सभी देश का भविष्य है, इसलिए अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने स्कूल परिवार व जिले का नाम रोशन करें। मैं आज वार्षिक रिपोर्ट कार्ड डे था, इसमें जो है रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इसमें जो है टीचर्स का 101% एक्सरसाइज रहा है। हमारे टीचर्स समाज ने मिल के अच्छा काम किया है, जिसमें जो मेजर रोल है वो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, जो अपनी अपार मेहनत के साथ बच्चों को एक एक्सेल सैर पे लेके जाते हैं, उनका एकेडमिक अच्छा करते हैं। गोल्डन फ्लावर इज अ एक्सेल सैर इन द पलिया रीजन। वी वांट 101% एकेडमिक, वी डोंट वांट फेलियर इन द पलिया रीजन। जो बच्चे परीक्षा में बेहतर अंक लाए हैं, क्या उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित उत्साहवर्धन किया गया? क्या कुछ पंत ने जो है उन्हें प्रमाण पत्र और सील्ड दे करके उनको बेहतर प्रमाण लाने के लिए सम्मानित किया है। इसी के साथ जो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड है वो भी दिया गया। सर, आज हमारे स्कूल में वार्षिक परीक्षा फल का वितरण किया गया बच्चों को, जिसमें पेरेंट्स मैक्सिमम पेरेंट्स ने विजिट किया और बच्चों का जो परीक्षा फल था वो बहुत ही अच्छा था। पिछले साल की अपेक्षा इस बार का जो परिणाम था वो बहुत ही बेहतर था, जिससे कि पेरेंट्स के चेहरे पे काफ़ी जो है उत्साह और प्रसन्नता दिख रही थी और पेरेंट्स इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे। पिछली बार जो हमारे यहाँ का टॉप परसेंटेज था वो 94% था, इस बार जो है कि 100% बच्चे जो है वो पास हुए हैं और बहुत खुशी की बात है। ये जो परीक्षा फल इस वर्ष आया है, इसमें किसको श्रेय जाता है, टीचरों का क्या लगता है? इसमें परीक्षा फल में जो है कहीं ना कहीं टीचर्स की अपार मेहनत और बच्चों का उनको पूरी तरह से फॉलो करना भी कहीं ना कहीं उनकी भूमिका है। प्लस हम तो कहेंगे आज की शिक्षा के दौर में पेरेंट्स का भी रोल बहुत ही अहम होता है, क्योंकि उनको घर पे पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी एक पेरेंट्स की होती है।